जय हिंद। 5 rules टू बी सक्सेसफुल। आप तरक्की करने के लिए, बुलंदी पर पहुंचने के लिए, अपनी जो भी फील्ड है आपकी उसमें सबसे बेस्ट टॉप पर पहुंचने के लिए साधे से 5 नियम जो मैं बनी बातें फॉलो किए हैं मैंने, और मुझे लगता है कोई भी फॉलो करके दुनिया की किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन सकते हो, तरक्की कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, शोहरत कमा सकते हो और इज्जत कमा सकते हो। वो 5 नियम जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की, और अगर आपका इससे भला होता है तो अच्छी बात है। और याद रखना, अगर इन 5 नियम से कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हार्डवर्क मतलब होता है कठिन परिश्रम। बहुत सिंपल सा है। ऐसा है लल्ला, अगर तुमको आलस पसंद है, मैं हमेशा से कहते आया हूं, 2 में से 1 चीज चुन लो, या तो एक्सक्यूजेस या सक्सेस। मतलब या तो तुम बहाने बना लो कि यार मुझसे यार मेहनत नहीं हो पा रही, मुझे इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तो फिर भाई हार्डवर्क अगर नहीं कर सकते, पहला नियम है तुम्हारे लिए, मेहनत करना पड़ेगी। फील्ड कोई भी चुन लो, एक बेसिक जो पहला रूल होता है ना, वो है हार्डवर्क। हो सकता है तुम में टैलेंट ना हो, लेकिन अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो साला हुनर खुद पैदा कर लोगे। मेहनत करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क से सरल कोई तरीका नहीं है सक्सेस पाने का। दूसरा रूल, डिसिप्लिन, अनुशासन। पता है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसलिए है क्योंकि जब तुम में अनुशासन ही नहीं होगा तो तुम्हें किस बात की फिर सक्सेस चाहिए? तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। अगर तुम्हें सक्सेस डिजर्व करना है तो खुद को जीतना पड़ेगा, और खुद को जीतना, डिसिप्लिन का मतलब ही होता है जब तुम खुद के निर्णय को, खुद के डिसीजन को रोज सही साबित करते हो कि मैंने जो डिसीजन लिया है उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और अपने आप को सही साबित करता हूं, वही कहलाता है डिसिप्लिन। सो रूल नंबर 2 वुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। रूल नंबर 3 व्हिच इज वेरी सिंपल, सेल्फ बिलीफ, मतलब खुद पर भरोसा। अबे अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है तो तुम सक्सेसफुल बनके लल्ला कर क्या लोगे? तुम्हारी काम की क्या सक्सेस? मतलब बड़ी बात है, हम बुलंदी पे पहुंच गए लेकिन हम नाखुश हैं, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता था, खुद पर ही भरोसा नहीं था। इट डज नॉट मीन एनीथिंग। सो बेहतर यह है खुद पर भरोसा करो, और एक बार जब खुद पे भरोसा हो गया उसके बाद दुनिया में कुछ हारने को नहीं होता है। सो सेल्फ बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड अकॉर्डिंग टू मी इज रूल नंबर 3। नंबर 4 ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब समझते हो? मतलब खुद की जीत के लिए जब तक तुम्हारे पास ऑब्सेशन नहीं है, यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर विक्ट्री। जब तक तुम्हें वो पागलपन नहीं है, जब तक तुम्हें वो नशा नहीं है, जब तक तुम्हें वो सोच नहीं है ना, जब तक तुम ऑब्सेस्ड नहीं हो, मतलब दिन रात सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचते ना, तुम्हारा सक्सेस कभी नहीं आ सकती। इसलिए यू नीड टू बी ऑब्सेस्ड फॉर सक्सेस एंड विक्ट्री, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। सो रूल नंबर 4 इज ऑब्सेशन। रूल नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल व्हिच आई फॉलोड इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में मैंने फॉलो किया, मुझे लगता है आपको भी इसका फायदा हो सकता है, और वो ये है पेशेंस, संयम। तुमको क्या लगता है, एक आदमी बता दो जो सक्सेसफुल है और जिसको सुबह उठा और रात को सक्सेसफुल हो गया? किसी का बाप बड़ा है उससे तुम्हें नहीं होगा। तुम्हारा काम बड़ा होना चाहिए, और वो काम बड़ा करने के लिए तुम्हें पेशेंस होना चाहिए, संयम। संयम का मतलब ये होता है, बीज जब डालते हो ना, उसके ऊपर धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। उसमें जब तक वो चीजें नहीं डालोगे तब तक नहीं होगा, नहीं सक्सेसफुल बनोगे। मतलब पेशेंस, संयम रखना पड़ेगा, और संयम रखने का मतलब है खुद पर भरोसा, अनुशासन, सेल्फ बिलीफ। जीत अगर आसानी से मिलेगी ना तो वैसे भी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए पेशेंस रखो, काम करते रहो, रोज काम करते रहो। एक दिन आएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जो आज की तुम्हारी मेहनत है वो तेरी कल की जीत निर्धारित करेगी। इसलिए बी पेशेंट और अपनी जीत का इंतजार करो, अपनी सक्सेस का इंतजार करो, रोज मेहनत करो, जो सपना देखा है उसकी तरफ रोज बढ़ो। Have patience to be successful. This was my rule number 5. इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।